पबजी मत खेलते बैठ जाना, जैसे ही देखे उसको रामपुरी घुसेड़ देना। अबे जानता है ना वो विटनेस है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी क्या? जैसे ही मैं उस सिक्योरिटी का ध्यान बटाऊंगा तू उसे घोप देना, जरा भी रहम मत दिखाना, उसको मारने के बाद ही पगार बढ़ेगी, समझा? मारी इधर ही रहता था, एकदम पक्की खबर थी भाई। वो खास वाले के पास गया था मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूँ सर। ऑल राइट, बहुत जल्दी है, तेरे बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ मैं देगा। गोविंद एडवांस दे दे। ए रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को मल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है, कल तेरे बेटे का हाथ पर तोड़ डालेगा। सोचता क्या है, रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हा? क्या बोल रहे तू? ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा, फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया है तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है।
तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। और तेरे किराए के टट्टू मारी की मुझ का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपुन को एक चांस दिया था और आज अपुन तेरे को खैरत में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक कान गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना, हट जा। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। विटनेस के डिटेल बताए बगैर विटनेस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता योर ऑनर। हमारी डिमांड है कि विटनेस के बारे में जानकारी दें। अगर उसका नाम बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है योर ऑनर। विटनेस ना पेश करने के कारण केस को सुबह तक मुलतवी किया जाता है, लेकिन कल विटनेस को हाजिर करना ही होगा। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कल विटनेस को प्रोटेक्शन के साथ अदालत में पेश किया जाए। डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोर्ट डिसमिस। विटनेस अगर कोर्ट तक पहुँच गया तो तू जहन्नुम पहुँचेगा। उसे ढूंढने के लिए सिर्फ आज की ही रात बची है। IPS होके तू उसे ढूंढ नहीं सका, ना लाए रे तू। पेपर्स पूरे हैं ना आपके पास? चलिए वहां चल के बात करते हैं। यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से नहीं। बहुत मुश्किल से केस तैयार किया है। ऐसे में तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि पुलिस की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो पाए। आप अभी तक खबरी का पता नहीं लगा सके सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है सर। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी रहे, पर शाम होते ही वो सीधा अपने मालिक के पास पहुंचकर उसके तलवे चाटने लगता है, बिल्कुल वफादार खबरी की तरह। मैंने सुना है कि आज मारी कोर्ट आया था, हमें उससे मिलना चाहिए। किस मुंह से मिलेगा अपन? तुम्हारा तो दोस्त था ना? दोस्ती निभाएगा। केसरी घर पर है? हाँ है। हाँ बताइए। अरे शनि, आज चांद किधर से निकला? कैसा है तू? मैं एकदम मस्त हूँ, तू कैसा है रे? कट रही है। आजा। काली मारी का बेटा। जब सुना तू दुनिया में आया है तो तेरे से मिलने के लिए दिल बहुत मचला, पर तेरे बाबा की अपने पे हटी हुई थी इसलिए आया नहीं। क्यों हटी हुई थी बापू की? फॉल्ट अपन की थी जो तेरे बाबा पे शक किया। पापा ने आपकी धुलाई नहीं की क्या? काश अपने को धोया होता उसने, पर मेरे को माफ करके चला गया यहाँ से। पर अपन ने जो काम किया वो माफी लायक नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम केसरी है ना अंकल? हाँ छोटे, तेरा बाबा मेरे को याद करता है क्या? हाँ हर रोज। क्या बोलता? बोल। केसरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर एक गलतफहमी की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। केसरी भाई का घर यही है क्या? अंकल पापा आ गए। खाना खाया क्या? हाँ पापा। अबे बोलने का क्या, तेरे को मालूम है अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला। ए, अरे छोड़ना, रात गई बात गई, एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रेला है। अरे
रो भाई गुरा है, तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी। मारे अपन इन्फॉर्मर नहीं है, पता है। हेलो, मैं रास्ते में हूं, बस पहुंच रहा हूं। देखो भीजा, अब ये सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुझ पे भरोसा करके आपुन ने इन्फॉर्मेशन दिया और तूने तूने आपुन केज कब्र खोद डाली। मुझ पर शक करना बंद करो भीजा, मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है, मेरे लिए बस तुम ही एक इन्फॉर्मर हो। वो जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय है शायद उसने भेजा। ए, ज्यादा शान पट्टे मत कर, और अब तो मारी ने भी बोल दिया कि कोई दूसरा इन्फॉर्मर है। ए, डबल गेम खेल रहा है। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें उठाकर जेल में डाल सकता हूँ, समझे। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये इन्फॉर्मर है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो, मुझसे बड़े लेवल का ऑफिसर हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ, मुझ पर शक मत करो। पता चल गया कमिश्नर, तू ही इन्फॉर्मर है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पागलों की तरह दिन रात तुझे बचाने के लिए इन्फॉर्मर ढूंढता रहा। इन्फॉर्मर तो तू खुद है, फिर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? हाँ बनाया, ताकि अपना पुराना केस क्लोज कर सकूं। अबे एसीबी, तुझसे एक काम तो ठीक से होता नहीं, तू आप उनसे सवाल पूछेगा? काय को इतना फड़फड़ा रहा है? अंडे में से निकल फिर पर फड़फड़ा। अच्छा तो बेटा, इस खेल का कोच तू है क्या? सच की मछली पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर नाम का चारा फेंकना पड़ा। क्या हुआ, अलग में आ गई? पहचाना, ये वही लोग हैं जो तेरी वजह से जेल में पत्थर तोड़ रहे थे। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आया, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए, चमचे को क्या पकड़ रहा है? गद्दारी का पतीला इधर है। दिमाग की खिड़की खुल गई, ये मारी का प्लान था। ये आप उनसे नहीं होएगा, चलते हैं। कैसे पता कि बीजा ही खबरी है? होश संभालते ही अपन गुंडा लाइन में घुस गया मैडम, लिफाफा देख के अपन खत का मजमून भांप लेता है। कमिश्नर का सपोर्ट मिलने से तो बीजा और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। वो तुम्हारा सरदर्द है, आप उनका काम खलास। मारी मेरी बात सुनो, देखो इसमें तुम ही कुछ कर सकते हो। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? ये सुन देख कर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। मैडम, जिस तरह भगवान अपुन के साथ है उस तरह अपुन भी आपके साथ है। अपन जो बोलेगा वही करना। सबसे पहले बीजा के खिलाफ आपको एक जबरदस्त केस बनाना पड़ेगा। पर कैसा केस? वही ड्रग केस। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है बीजा। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। और उसको यकीन दिलाओ कि जो इन्फॉर्मर है वो उसके गैंग में ही मौजूद है। कोई आस्तीन का सांप अपुन को डसने के लिए भुदक रेला है। वो टेंशन में आके कमिश्नर पे शक करेगा, और उसके बाद अपुन उसका ताकड़ धिन्ना करेगा। झूठा केस करोगी? माना कि केस झूठा है पर क्राइम सच्चे हैं। बस ये ध्यान रहे कि विटनेस की पहचान आखिर तक किसी को ना हो पाए। बाद में कह देंगे किसी वजह से विटनेस नहीं आ पाया। हम इतना तो कर ही सकते हैं सर, हमें बीजा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। हमें इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालना होगा। खबरी कौन है? सर मुझे गलत मत समझिएगा, पर कोर्ट की हियरिंग होने तक खबरी को छुपाना सेफ रहेगा। वैसे ये खबरी आपका नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं।
तू इन्फॉर्मर है? इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। विटनेस को अदालत में पेश करना ही होगा। सुबह तक विटनेस का पता लगा। तुम लोगों की जेल की टिकट किसने काटी मालूम? उस बीजा ने। वो जिंदा नहीं बचेगा। आज जी डालूंगा उसे। ए, चल गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी भटके पर शाम होते ही अपने बॉस के पास जाता है। क्या रे, तेरे को लगा फोन पे लीडो खेल रहे हैं? चीटिंग भी किया तो कोई पकड़ेगा नहीं। अबे पकड़ेंगे भी और खींच के सुतैया भी करेंगे। अबे गुंडे की जायज औलाद हूं। मार मुझे। माँ ने दूध पिलाया तो बहुत थार है अपन का नेटवर्क। कमिश्नर भी अपना पालतू है। अपन है मौत का सौदागर। नमूना देखना चाहेगा? देख, देख कौड़ियों के दाम से। कमिश्नर को डॉगी की तरह घसीट कर लिया जा। अबे फटे हुए दूध की खीर कभी सुधर नहीं सकता तू। मुझे पहले 8-10 अटैक आ चुके हैं, अभी फाइनल आ गया तो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना यार। खड़े हो, खड़े हो। मैं तो तेरा वफादार खबरी था। तेरे भाई की तरह तेरे को भी लकड़ी नसीब नहीं होगी। क्या बंटा है, हलक में आ गई थी क्या? अपन इस शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। उसी दिन तुझे और तेरे बेटे को मार देना था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। पहले इसके भाई को मारा, फिर तेरी बीवी को टपकाया, और आज तुम दोनों की बारी है। ए, अपन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। प्लास्टर में तो एकदम पिरामिड लगेगा। अगर आप उनके जूते का सोल चाट के तू माफी मांगेगा ना, तो आप उन तेरे को माफ कर सकता है। लेकिन क्या है ना, तेरे अंदर माफी वाला कीड़ा नहीं है, तो चला जा।
ये तेरे घोगले, गलत फहमी की वजह से तू आप उनका दुश्मन बन गया, लेकिन असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। गलत फहमी की दीवार अगर दिल में बन जाए तो उसको मोहब्बत के बुलडोजर से गिरा डालने का।